तो ये है स्कॉटिश विला, है ना, ब्यूटीफुल स्कॉटिश कॉटेज। हुन जेड़ा सब तो बेस्ट रूम है ना इन्हां दा सरप्राइज वाला, वो देख दे और अपने व्यूअर्स नूं दिखांदे, ठीक है। ये देखिए रूम, और मैम देखिए खुल जा सिम सिम करने वाले, और ये ओपन हो गया है एटीक रूम, और ऊपर एटीक पे जाने के लिए ये स्टेप्स है ना। ब्यूटीफुल स्कॉटिश विला का ये एटीक रूम है, फिनिश कॉटेज जो कि एक ट्री पर बनी हुई है। यहाँ इनकी एक कॉटेजेस और है, दानिश कॉटेज। ये 1, 2, 3, 4, 5 रूम्स है यहाँ पर, यहाँ सिंगल रूम्स है इस कॉटेज में। ये भी 1893 की बनी हुई प्रॉपर्टी है। सस्यूल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हो जी कितना सारा है, होप दिस सारे वधी होंगे जी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग चंडीगढ़ से शिमला आए हैं, हमने स्टे किया था शिमला ब्रिटिश रिजॉर्ट में, जो कि एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। 1893 में ये बनी थी, ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया था अपने लिए, और 131 ईयर्स हो गए इस प्रॉपर्टी को। तो हमने यहाँ स्टे भी किया, और जोरावर का बर्थडे भी हमने यहाँ मनाया। अगर आपने हमारा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको पराए बटन में मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको शिमला ब्रिटिश रिजॉर्ट का प्रॉपर टूर दूंगा, क्योंकि काफी ह्यूज ये प्रॉपर्टी है। तो चलो चल के देखते हैं, लेकिन सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये है मेन एंट्रेंस शिमला ब्रिटिश रिजॉर्ट की, और ये रहा शिमला ब्रिटिश रिजॉर्ट, जो कि बना था 1893 में, ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया था अपने लिए। 131 ईयर्स हो गए इस प्रॉपर्टी को, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्रॉपर्टी है। और लोकेशन आप देखिए, चारों तरफ सिर्फ जंगल है, और ये प्राइवेट रोड है इस प्रॉपर्टी का, नीचे तक ये प्रॉपर्टी जाती है। और यहाँ हमने स्टे किया था, यहाँ पे इनके स्वीट रूम में, बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा स्टे रहा। और कल के वीडियो में मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर डिटेल में दिखाया, अब इसकी आगे वाली प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और कितनी ऑप्शन है इस प्रॉपर्टी में स्टे करने के लिए। तो वो रहा शिमला ब्रिटिश कॉटेज, और ये होटल बना रहे हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टी है। और यहाँ से रास्ता देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे इनकी और भी 2-3 प्रॉपर्टीज है, ये एक है फिर नीचे और एक है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कार भी लेकर आ सकते हो, अगर आप यहाँ नीचे कहीं स्टे कर रहे हो। हम क्योंकि ऊपर स्टे कर रहे थे, तो हमारी पार्किंग यहाँ है। यहाँ इनकी एक कॉटेजेस और है, दानिश कॉटेज। ये 1, 2, 3, 4, 5 रूम्स है यहाँ पर, यहाँ सिंगल रूम्स है इस कॉटेज में। ये भी 1893 की बनी हुई प्रॉपर्टी है। ऊपर है इंडोर रेस्टोरेंट एंड आउटडोर रेस्टोरेंट, जहाँ हम अभी ब्रेकफास्ट करेंगे चल के। भाई रूम्स अभी लगे हुए हैं, अगर तो रूम खाली होता मैं आपको रूम टूर भी देता। रेस्टोरेंट एरिया इंडोर, यहाँ से भी देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। और नीचे इनकी और एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, ये भी हम जाके देखते हैं। ये आउटडोर सेटिंग, और ये है इनका स्कॉटिश विला। देखिए कितनी ओल्ड बिल्डिंग है, 1893 में बनी हुई। चिमनी आप देखिए कितनी ह्यूज, इसे भी जाके एक्सप्लोर करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। और चारों तरफ आप देखिए जंगल ही जंगल। और रेस्टोरेंट में ना ये जो टेबल है, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल टेबल है, इस पे जो कार्विंग की गई है ना, इस पे एक प्रॉपर एक विलेजर की रूटीन लाइफ कार्व करके दिखाई गई है, उसकी पूरी दिनचर्या। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग है ये, और ये मैंने लगता सिल्वर का है, वेरी नाइस ट्रेडिशनल। और कितना टफ रहा होगा इसे बनाना, क्योंकि सारा ये हैंड क्राफ्टेड है, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस रेस्टोरेंट का हाईलाइट ये टेबल है जी। अरे वाह, सैंडविच भी ले लो। ब्रेकफास्ट डन, अब आपको दिखाते हैं कॉटेजेस। जैसे रेस्टोरेंट से हम नीचे उतरेंगे, इस तरफ है दानिश कॉटेजेस, और इस तरफ है फिनिश कॉटेज। तो ये है फिनिश कॉटेज, जो कि एक ट्री पर बनी हुई है, ये आप देख सकते हो ट्री है ना, ब्यूटीफुल और डिफरेंट ये रास्ता। और ये एक प्राइवेट कॉटेज है, इस तरफ ये ओपन स्पेस, देखिए ब्यूटीफुल
विंडो से बाहर का व्यू। इस तरफ है एक रूम, ये देखिए, विद वुडन सीलिंग, हार्ट शेप, बिग स्पेशियस रूम, वन बिग बेड, यहाँ भी सिटिंग, इधर भी देखिए, यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। बाहर सिट आउट भी है, यहाँ बैठ के भी आप नेचर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और ये सारी कॉटेज ना ट्री के ऊपर बनी हुई है। इस तरफ देखते हैं क्या है। तो इस तरफ है वॉशरूम और राइट ओल्ड स्टाइल वॉशरूम। यह है फिनिश कॉटेज, है ना, ब्यूटीफुल, समथिंग डिफरेंट, और ट्री के ऊपर बनी हुई है कॉटेज। देखे बाहर, सिट आउट, बहुत क्यूट, छोटी सी है ना, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट शेप, और ये ट्री के ऊपर बनी हुई है, पता जरा बार। अब हम चेक करते हैं दानिश कॉटेज। आपको दानिश कॉटेज भी मैं चेक करा देता हूँ, क्योंकि अभी चेकआउट हुआ है लोगों का, तो मुझे लगता सफाई होनी बाकी है, लेकिन इससे आपको रूम का अंदाजा लग जाएगा, रूम का साइज एंड स्पेस एंड क्या कुछ फैसिलिटीज है रूम में। मिनी फ्रिज भी मिल जाएगा, हीटर भी, LED, बेड, सिटिंग, वार्डरोब एरिया, और इस तरफ है बैल्कनी, ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ भी चेयर्स रखी है, यहाँ बैठ के आप व्यू एंजॉय कर सकते हो स्कॉटिश कॉटेज का। इसी तरह से दानिश कॉटेज के 5 रूम्स हैं, और नीचे की तरफ जाएंगे हम, एक्सप्लोर करेंगे ये स्कॉटिश विला। और फिनिश कॉटेज कितने दी है? फिनलैंड दी। हम ऊपर जा रहे हैं स्कॉटलैंड, स्कॉटिश कॉटेज देखें, ये रास्ता जा रहा है। हाँ जी, यहाँ भी मुझे रूम्स लग रहे हैं, देखते हैं। ओके, दानिश कॉटेज के रूम्स नीचे भी है। कुछ इस तरह के रूम्स हैं यहाँ पर, ब्यूटीफुल रूम्स। ये देखिए कितनी ह्यूज प्रॉपर्टी है। ऊपर है ब्रिटिश कॉटेजेस जहाँ हम रुके हुए हैं, वो ऊपर आप देख सकते हो, वहाँ से लेकर ये सारा प्राइवेट रोड है इन्हीं का। अगर आपने यहाँ स्टे करना है तो आप अपनी कार सीधा यहाँ ले आ सकते हो। अगर आपने और नीचे स्टे करना है स्कॉटिश विला में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आप अपनी कार यहाँ से इस गेट के थ्रू यहाँ पार्क कर सकते हो। देखिए ना कितना ब्यूटीफुल है ना जोरावर, स्कॉटिश विला। इंजरवेल का लगता था, ठीक है जी, है ना, ब्यूटीफुल स्कॉटिश कॉटेज, स्कॉटिश विला, ये डेनिश कॉटेज, और ऊपर ब्रिटिश कॉटेज, और पीछे आपको हमने दिखाया फिनिश कॉटेज। अजोन थल्ली तरफ चल दिया, हाँ जी, तो जा रहा है स्कॉटिश विला के लिए। सबसे ब्यूटीफुल कॉटेज ये है, लेकिन यहाँ पर ना स्वीट रूम नहीं थे, इसीलिए हम ऊपर ब्रिटिश कॉटेज में स्टे किया हमने, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर प्रॉपर्टी इनकी। ये बहुत ही यूनिक शेप बिल्डिंग है, आप देख सकते हो, और इसी की वजह से हमने चूज किया था यहाँ स्टे करने का। लेकिन फिर हमें पता लगा कि स्वीट रूम ऊपर है और ब्रिटिश कॉटेज में, तो फिर हमने वहाँ स्टे कर लिया। सारा पार्किंग एरिया है ना, ब्यूटीफुल स्कॉटिश विला, जो कि 1893 में बना हुआ है। 131 ईयर्स हो गए इसे बने, और ब्रिटिशर्स ने बनाया था इसे, और ब्रिटिशर्स यहाँ रहा करते थे। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है शिमला में। देखिए चारों तरफ जंगल, और सिर्फ
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पर। अभी चेकआउट टाइम है तो बस रूम्स क्लीन हो रहे हैं मुझे से लगता है। चल के देखते हैं। रूम्स क्लीन हो रहे हैं। ये एक रूम है देखिए आप, यहाँ पर सेटिंग, मिनी फ्रिज, ह्यूज स्पेशियस रूम, फायर प्लेस, सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। गुड। एक रूम इस तरफ भी है और क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है, भैया क्लीन कर रहे हैं रूम। ये छोटा सा क्यूट सा रूम है और इस तरफ एक रूम है, भैया क्लीनिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वॉशरूम क्लीन है और एकदम ह्यूज वॉशरूम है। कैबिनेट बहुत यूनिक एंड विंटेज लुक। कॉटेज विला कितना लग गया? हूँ जो सब तो बेस्ट रूम है ना इन्हों का सरप्राइज वाला, वो देख दे और अपने व्यूअर्स को दिखा दे, ठीक है? आ जाओ, लेट्स गो। ये वाली, ये तो न्यू कढ़ाई है, पुरानी होगी। और एक रूम की एंट्री यहाँ से देखिए, ओल्ड पेंटिंग्स फ्रेम्स, और ऊपर रूम की तरफ जाता हुआ रास्ता वुडन स्टेयर्स। इस तरफ भी एक रूम है। ओल्ड पेंटिंग्स, यहाँ जो रूम है ना ये बहुत ही यूनिक रूम है अपने आप में। ये देखिए रूम, और मैम देखिए खुल जा सिम सिम करने वाले हैं। और ये ओपन हो गया है एटीक रूम, और ऊपर एटीक पे जाने के लिए ये स्टेप्स। चलो जरा पर। और ये रूम यूनिक सा वुडन रूम, है ना ब्यूटीफुल? कितना डिफरेंट टाइप बॉडी है, कॉन्सेप्ट बहुत स्टाइलिश बनाया है ना। ये देखिए ऊपर है ठीक, यहाँ फायर प्लेस, ओल्ड पेंटिंग। अच्छा ये देखिए यहाँ पर वेट लगा हुआ है इसे ऊपर नीचे करने के लिए। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एटीक बनी हुई है, और रूम में से प्राइवेट रास्ता है यहाँ के लिए, किसी को पता नहीं लगेगा कि ऊपर भी एटीक है। और मैम यहाँ पर रिसेप्शन पे आपको मिलेंगे। आपका नाम मैम? बबीता। बबीता जी आपको रिसेप्शन पे मिलेंगे। जोरावर सिंह कितना सारा एंटीक देख के तो मजा आ गया होना। तो ये एंटीक रूम बड़ा ही खुफिया तरीके से बनाया गया, इनोवेटिव तरीके से। कोई सोच भी नहीं सकता कि रूम में से स्टेप्स जाती हैं ऊपर एंटीक रूम के लिए, और सिर्फ उसी रूम से यहाँ के लिए एक्सेस है। देखिए कितना ब्यूटीफुल वुडवर्क हो रखा है। 1893 की ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। सारा कुछ जितना भी सामान है इतने बेटा सारा पुराना है। जितना भी आप यहाँ सामान देख रहे हो ना, सब ब्रिटिशर्स के समय का फर्नीचर और सामान और डेकोरेटिव आइटम्स है। कितने हाँ हाँ जी, ब्यूटीफुल
देख रहा हूँ। कौन सा? राज टू मूवी। अच्छा, राज टू मूवी की भी शूट यहीं हुई है। मैं ऐसा ही हूँ, राज टू। यस, काफी मूवीज की शूटिंग हुई है, है ना? ब्यूटीफुल स्कॉटिश विला का ये एंटीक रूम, विला सिक्स। ओके, तुझे इतने बैठे रहोगे ना? फायर प्लेस बनी है। यस, और यहाँ से बाहर का व्यू। बंद हो गया जरा, देखिए इतना फिनिशिंग से इसे बनाया है कि पता ही नहीं चलता कि ऊपर के लिए स्टेप्स भी और ऊपर एटिक रूम भी है। ये हो गया बंद। थैंक यू सो मच मैम दिखाने के लिए रूम। ब्यूटीफुल स्कॉटिश विला, बहुत ब्यूटीफुल और यूनिक रूम हमें लगा, स्पेशली वो रूम जिसमें एटिक भी खुलता है, एटिक के लिए स्टेप्स खुलती है रूम के सीलिंग में से, वो रूम हमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर उसी रूम में स्टे करेंगे। तो ये है स्कॉटिश विला, है ना ब्यूटीफुल? और अगर आप स्टेप से नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ से भी रास्ता है। इन्होंने चूज किया हम लोग यहाँ से जाएंगे क्योंकि मम्मी को स्टेप्स थोड़ी हार्ड लग रही थी। और इस तरफ देखिए सारा जंगल ही जंगल। अगर आप एक नेचर लवर हो ना तो इस प्रॉपर्टी में जरूर स्टे करना शिमला आके, आपको मजा आएगा। तो ये था जी आज का हमारा शिमला ब्रिटिश कॉटेज का ब्लॉग। आपको मैंने इस प्रॉपर्टी का पूरा टूर दिया है, जितने टाइप की भी यहाँ पे रूम्स है, कॉटेज है, अकोमोडेशन है, वो सारी मैंने आपको दिखा दी है। और रेस्टोरेंट एरिया भी आपको मैंने दिखा दिया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्रॉपर्टी है, और जिस जगह पे प्रॉपर्टी बनी हुई है बहुत ज़्यादा शांति है। यहाँ पर जंगल के बीचों बीच ये प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी हुई है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 1893 की प्रॉपर्टी बनी हुई है, और 131 ईयर्स हो गए इस प्रॉपर्टी को। और ब्रिटिशर्स ने इसे बनाया था, वो यहाँ रहा करते थे, अब ये रिजॉर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। पिछले 20 साल से एज ए होटल रन कर रहे हैं, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमें लगी। अगर आप भी शिमला आते हो आप भी यहाँ स्टे कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, हमें इस टाइप की हेरिटेज प्रॉपर्टी अच्छी लगती है और हम ऐसी प्रॉपर्टीज में स्टे करना पसंद करते हैं, इसलिए हम स्पेशली इस प्रॉपर्टी में आए हैं स्टे करने, एंजॉय करने, और स्पेशली जोरावर का बर्थडे मनाने हम यहाँ शिमला में इस प्रॉपर्टी में आए थे। ऑलराइट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम शिमला ब्रिटिश रिजॉर्ट शिमला।